बम्बियारी में आ चुके हैं और बम्बियारी की ये जो लोकेशन है बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है। ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बसिया से होकर के आना पड़ता है और आने के समय यहाँ पे आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, गर्मी के मौसम में आते थे लेकिन पानी बहुत कम रहता था, जैसे देख सकते हो उधर पानी बह रहा है बहुत अच्छा से और साउंड जो है इसका बहुत अच्छा साउंड आ रहा है पानी का, एकदम खुशमिजाज बना दिया है मौसम को एकदम। और पहले आते थे तो उतना खास मज़ा नहीं आता था लेकिन इस बार आए हैं स्कूल के दोस्त लोग से फ्रेंड लोग से आए हैं तो आज का जो अनुभव है वो कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे आज कितना खूबसूरत लग रहा है, नेचुरल जगह है। आज हम लोग आए हैं खा पी के, हम लोग कुछ कुछ लाए थे वो तो कंप्लीट खा लिए सारे कुछ हम लोग। अब हम लोग इधर उधर घूम कर देख रहे हैं, हम तो थक चुके हैं, इधर उधर चल नहीं सके, काफ़ी सब तरफ पानी है, ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी। तो अब आप लोग को ये दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ मुर्गा जो पड़ता है रांची टू जो है सिमडेगा जाने वाला रास्ता पे कोरको टोली वगैरह जो पड़ता है उस जगह से आप आ सकते हैं। यहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है, अभी कोई भी नहीं आए हुए हैं। और रही दूसरी बात बम्बियारी, मतलब कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। और बात ऐसा है कि हम लोग यहाँ से नीचे की ओर फॉल जाता है, ये मंदिर वगैरह सारा चीज़ें हैं, पूजा वूजा का स्थल है, बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे जो है बैठने उठने पिकनिक वगैरह बनाने के लिए सारा चीज़ आपको प्रबंध किया गया है। तो बाय द वे जो है अभी जनवरी आने वाला है, नहीं आया है, 5-7 दिन बाकी है। तो बाय द वे जो है उधर हम लोग जा कर के देखते हैं क्या क्या ऐसा चीज़ है जो देखने में अच्छा लगे और इन्जॉय करने मज़ा आए। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पिकनिक वन भोज वन में आकर के, जलप्रपात में आकर के पूरी तरीके से इंजॉय करना है, बाकी अब रह गया है। और जो पीछे वो देख सकते हैं जिधर से पानी आ रहा है, लिटिल जलप्रपात है, वहाँ पर जा कर के हम लोग देखते हैं वहाँ का लोकेशन कैसा है और आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आज कितना खूबसूरत लग रहा है, नेचुरल जगह है। आज हम लोग आए हैं खा पी के, हम लोग कुछ कुछ लाए थे वो तो कंप्लीट खा लिए सारे कुछ हम लोग। अब हम लोग इधर उधर घूम कर देख रहे हैं, हम तो थक चुके हैं, इधर उधर चल नहीं सके, काफ़ी सब तरफ पानी है, ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी। तो अब आप लोग को ये दिखाएँगे कि कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा लोकेशन है वहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत, इधर उधर पानी गिर रहा है, झरना है, फवारा है, साफ़ सफाई है, अच्छा है, सब लोग यहाँ पे गार्ड वार्ड लोग भी है जांच चेक के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो रहा है, लेडीज़ लोग को रखा गया है साफ़ सफाई के लिए। तो बहुत देखिए उधर झरना है, फवारा है, कितना खूबसूरत पानी गिर रहा है उधर, एकदम साफ पानी, एकदम क्लीन है, नेचुरल है, पी सकते हैं, कभी कभी पीना चाहिए, साल में कभी कभी पानियों का टेस्ट लेना चाहिए। नहीं, जो फीस पकड़ने के काम आता है, मछली पकड़ने के काम आता है, बहुत अच्छा लोग यहाँ पे रोज़गार का साधन भी है और बहुत अच्छा से लोग जो है आते हैं और मछली पकड़ते हैं और बनाते हैं और अपना जीवन यापन का पूरा करते हैं इसी से। अरे तुम काहे तुम हमको चिल्लाते रहते, हमने सुन सकते हैं तेरा बात को। तो फाइनल वो जो है महक जो है आई थी मेरे पास घुसा करके फिर से भाग गई वो देख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन, जब मैं बात कर रहा एक्सबॉक्स कर रहा था तो घुसा गई वो
पापा पापा के बोल रही थी। दोस्तों यहाँ पे जो मैं बताई यही चीज़ है मछली फंसाने के लिए। और पानी ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, बस नॉर्मल सा है, नहाने में बहुत मज़ा आएगा। वो देख सकते हैं वहाँ पे मोनी बैठी हुई है, और यहाँ पे हाथियों का झुंड भी मिल सकता है। वो लड़का नहा रहा है, काफ़ी है पर ठंडा भी है, और मुझे चलना होगा पहाड़ों के तराई में, तो मैं आपको जा करके दिखाता हूँ वहाँ पर जिस जगह लड़का नहा रहा है पहाड़ के तराई पे झरना के पास। उस झरना के पास मैं आपको ले चलता हूँ फाइनली। तो कहे क्योंकि जब तक उधर नहीं जाएंगे ऊपर की ओर ना, तो देख भी नहीं पाएंगे कि कैसा है मोमेंट, किस तरीके से है, वो सारा चीज़ का देख। पात के बगल में हूँ, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से आ रहा है और देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। अरे यार लेकिन बताने के लिए तो भूल गए दोस्त, अभी मैं थोड़ा थोड़ा के लिए जो है मेरा पानी जो देख सकते हैं यहाँ पे पैर जो है अंदर जा चुका है और पूरा पैंट जो है भींग रहा है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हो सकता है ओवर बरसात के दिनों में तो बहुत ही ख़तरनाक और भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। और यहाँ से बहुत अच्छा लोग आते हैं जाते हैं, कल दो बस आई थी, बस के कल आए नहीं थे उस दिन हम लोग। आधा जो है पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे कुछ ब्लॉग हम लोग बनाए थे जो गांव के अगल बगल का था, आज फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पानी कितना है तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी पानी की गहराई की तरफ जा रहा है। तो इधर आओ, गहरा पानी में आओ, दिखाओ कितना पानी है। बागमुंडा जलप्रपात के पानी कितना गड्ढा है, ज्यादा गड्ढा नहीं है, जितना कमर है उतनी तक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है दोस्त लोग भी आए हुए हैं स्कूल से, और काफ़ी जान पहचान हुआ, जान पहचान होने के बाद ही दोस्त का रिलेशन बढ़ता है। और देखते हैं बात करते हैं इन लोग कैसा फीलिंग लग रहा है। नाम मोहम्मद तस्नीम कौसर हुआ जी। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कभी कभी आते हैं घूमने, तो अभी जैसा कि ठंडा का मौसम यहाँ पे आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा। गर्मी के मौसम में आते थे लेकिन पानी बहुत कम रहता था, जैसे देख सकते उधर पानी बह रहा है बहुत अच्छा से, और साउंड जो है इसका बहुत अच्छा साउंड आ रहा है पानी का, एकदम खुश मिजाज बना दिया है मौसम को एकदम। और पहले आते थे तो उतना खास मज़ा नहीं आता था, लेकिन इस बार आए हैं स्कूल के दोस्त लोग से फ्रेंड लोग से आए हैं, तो आज का जो अनुभव है वो कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं पहले यहाँ पे प्रशासन का टीम नहीं रहता था, लेकिन इस बार है कि प्रशासन का भी पूरा टीम यहाँ पे लगा हुआ है, ताकि कोई भी अनहोनी हो तो बचाव कर सके, या फिर किसी को कोई अगर गलती कर रहा है, कोई दिक्कत हो रहा, परेशानी हो रहा है तो मदद कर सके। और देखिए आए हैं तो एक दोस्त भी बन गया है हम लोग का, डॉगी जी भाईजान, थोड़ा हाथ उस मिलाइए, हाथ मिला दो कम से कम, एक मिसाल कायम है भाई। किसी इंसान को खिला दो तो अपना नहीं होता, लेकिन एक जानवर तुरंत अपना हो जाता है ना, इसी से सीख मिलता है, एक मोटिवेशन मिल रहा है ना। देख सकते हो बहुत काफ़ी मस्त और बहुत लव जाहिर कर रहा है, ठीक है। और कहाँ से आप लोग आए हैं, गुमला से आए हुए हैं क्या? नहीं, हम लोग तो यही लोकल ही बसिया की, बसिया की ही हैं। अच्छा चलो मिलते हैं है ना आप लोगों से भी, ठीक है, बाय।